टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए इस प्यार को में फाइनली अद्वाय ने चांदनी से शादी करके अपने बदले को पूरा करने की शुरुआत कर ली है और अंजलि आनंद ने किया रैंप वॉक और रो रो कर माया का हुआ है बुरा हाल। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में फाइनली अद्वाय ने चांदनी से शादी करके अपने बदले की आग आधी तो पूरी कर ही ली है और बाकी का बदला वो लेगा शादी के बाद। जी हां, सबसे लड़ते झगड़ते अद्वाय ने चांदनी की मांग में अपने नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना दिया है। चांदनी मंडप में पीपी से शादी करने के लिए बैठी थी लेकिन इतने में होती है अद्वाय की एंट्री। मुंह पर लगा हुआ था खून हर किसी से लड़ते हुए वो चांदनी का हाथ पकड़कर मंडप से बाहर से लेकर चला जाता है। इंस्पिरेशन तो बहुत ज्यादा लेकर आए हैं वो और उनको लग रहा है कि वो लेकर जाएंगे। पता नहीं मार होगा, एक्शन होगी, बहुत धमाका होगा, ड्रामा होगा, देखते क्या होता है। वेल अद्वाय की हरकत पर बुआ जी उसको मार देती है जोरदार थप्पड़ जिसका अद्वाय पर नहीं होता है कोई असर और थप्पड़ खाने के बाद अद्वाय चांदनी को मंडप में लेकर जाता है और उसे शादी कर लेता है। चांदनी के पैरों में दर्द होने के कारण अद्वाय उसे गोद में उठा लेता है और गोद में उठाकर वो लेता है सात फेरे और हर वचन में वो चांदनी को बर्बाद करने की खाता है कसम। जो भी अद्वाय ने चाहा है वो किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चांदनी और अद्वाय के बीच का ये रिश्ता क्या नया मोड़ लेगा। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार अंजलि आनंद यानी सीरियल ढाई किलो प्रेम की दीपिका, जिनका मानना ये था कि ओवरसाइज्ड एक्टर्स को इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है लेकिन अंजलि आज एक सक्सेसफुल हीरोइन है और उन्होंने इस बात को गलत प्रूव किया है जिस पर उन्होंने जूम से की एक्सक्लूसिव बात। बहुत लिमिटेड काम मिलता है जो अलग दिखते हैं क्योंकि एक ही बॉडी टाइप इस इंडस्ट्री में एक्सेप्ट की जाती है, विच इज़ अ सैड ट्रूथ। बट मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं हर मैगजीन कवर पे, हर एडवर्टाइजमेंट में, हर एक बिग बैनर मूवी में अपनी जैसी लड़की को देखूं जो अलग है, भले मैं ना हूं पर एक अलग लड़की, यू नो, जो कौन कहता है कि एक मोटी लड़की हीरोइन नहीं बन सकती। मैंने आज वो करके दिखाया है और आई होप ऐसी और लड़कियाँ आगे आएँ और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करें। कोई भी फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में आप देखेंगे कि एक मोटी लड़की हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट और साइड में, यू नो, बुलीड होती है या कई होती है, बहुत होती है ऐसी। आई थिंक 90% तो होती है। बट आई वॉन्ट कि हर फील्ड में हम एक्सेल करें और अपना सेल्फ इस्टीम बढ़ाएं ताकि गिराए नहीं। वेल अंजलि ने हाल ही में लैक्मे फैशन वीक के लिए एज अ मॉडल रैंप वॉक भी किया था और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। फैशन वीक का मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था। पिछले साल तो किसी ने नोटिस भी नहीं किया था कि एक प्लस साइज शो हुआ था, बट इस साल दे केम बैक विद अ वेरी बिग बैंग विद वेंडल रॉड्रिक्स डिजाइनिंग द एंटायर शो एंड एवरीथिंग एंड आई थिंक द क्लोथ्स वर अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने दो आउटफिट्स पहने और मैंने शो क्लोज भी किया उनके लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वो सबसे बड़ा मिथ जो है कि मोटी लड़कियाँ वाइट नहीं पहन सकती, मैंने तो वाइट पहन के पूरी दुनिया के सामने चली हूँ। आई होप बाकी सबको भी अच्छा लगे और बाकी सब भी एक्सेप्ट करने लगे। लोग जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, बस कभी कभी ओवरबोर्ड चले जाते हैं लोग बुराई करने में और वो लोगों को पता नहीं कि वो कितना टेस्ट देता है लोगों को। तो आई थिंक सबको खुश रहना चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और जो जिस चीज़ में उनका टैलेंट है, पैशन है, उसको परस्यू करना चाहिए बस। सीरियल बेहद में माया का रो रो कर हुआ है बुरा हाल। जी हां, जेल में माया की हालत हो रही है खराब और उसका रो रो कर हो गया है बुरा हाल और आज तो इंस्पेक्टर कर रही है माया पर खूब जुल्म। पुलिस इंस्पेक्टर कभी उसे डंडे से मार रही है तो कभी उसके बाल पकड़कर खींच रही है और इंस्पेक्टर उसे मार देती है जोरदार थप्पड़ और कर रही है माया को बहुत परेशान। वेल, जेल में रहना है तो काम तो करना ही होगा, यही कह कर पुलिस इंस्पेक्टर माया से कपड़े धुलवा रही है लेकिन जब माया को इंस्पेक्टर कपड़े धोने के लिए बोलती है तो माया उसे गुस्से से देखती है और कपड़े नहीं धोने की बात करती है लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर उसे बोलती है कि तू करोड़पति होगी अपने घर पर, यहाँ जेल में तुझे काम करना पड़ेगा और फिर वो जेल में से सबके कपड़े लाकर माया के सामने डालकर उसे धोने के लिए कहती है।
बोनस धमाका में मिलिए भारती और उनके होने वाले हस्बैंड हर्ष से। सीरियल भाभी जी में आ गया है मर्डर वाला ट्विस्ट, जहां अनीता भाभी के प्यारे विभु यानी विभूति नारायण मिश्रा फंस गए हैं कांतीलाल नाम के एक शख्स के खून के इल्जाम में। वेल पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे विभूति के चाचा जी पहुंचे थे विभूति के घर। विभूति के घर जाते ही चाचा अनीता के रूम में से किसी को जाते हुए देख लेते हैं और वो अनीता पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से विभूति आकर बताते हैं कि विंडो से आने वाला कोई और नहीं बल्कि विभूति ही हैं। फिर क्या, चाचा जी खुश होकर प्रॉपर्टी कर देते हैं इनके नाम। वेल, एक तरफ जहां विभूति के चाचा जी देते हैं अपनी वसीहत विभूति और अनीता को, वहीं कहानी में आता है ट्विस्ट जब अचानक से पहुंचते हैं दरोगा हप्पू सिंह और वो सुनाते हैं अनीता भाभी को बुरी खबर कि उनके प्रिय पति विभू ने किया है खून, जिसके बाद अनीता भाभी और विभूति के चाचा जी होते हैं नाराज। लेकिन तब दरोगा हप्पू सिंह ने दिखाया सबूत खून का, जिसके बाद अनीता भाभी विभू से करती हैं सवाल, लेकिन विभूति ने खुद ही बताया कि ये सच है और खून उसने ही किया है। लेटर ऑन द शो, प्रोड्यूसर और एक्टर जेडी मजीठिया का जल्द दिखेगा नया अंदाज। वेल, जहां सीरियल भाभी जी में विभूति ने सबके सामने खुद किया कबूल कि उसने ही किया है खून कांतीलाल का, जिसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट जब विभूति के चाचा जी ने सबके सामने फाड़ दी वसीहत ये कहकर कि किसी खूनी के नाम वो अपना वसीहत नहीं कर सकते, और फिर दरोगा हप्पू सिंह ने किया विभूति को अरेस्ट कांतीलाल के खून के इल्जाम में, जिसे देख अनीता भाभी का हो गया बुरा हाल। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जेडी मजीठिया जल्द नजर आएंगे नए अंदाज में। जी हां, जेडी मजीठिया ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है डॉक्टर वीरल देसाई के क्लिनिक में, और अब वो अपने नए लुक के साथ एक्टिंग में करेंगे वापसी भी। 5 years back, we got the hairline fixed, very natural, we got it done. Over 5-6 years, he gradually lost some hair, थोड़े बाल in the center. तो आज हम अराउंड 4-4.5 हज़ार बाल करके ये सेंटर को भरने वाले हैं पूरा। ये बाल हम जो पीछे से और साइड से लेते हैं, एंड दीज हेयर आर रूट से लेते हैं, तो ये परमानेंट रहते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये बाल कभी गिरते नहीं है। सो वी टेक एंड वी इम्प्लांट देम विद आर स्पेशल वन टाइम यूज डिस्पोजेबल टूल्स, पेटेंट टूल्स, एंड ये बाल फॉर लाइफ फिर ग्रो होते हैं, एंड दे नेवर फॉल। कहा था ना, बाल बाल बच गया, तो क्या पता है इतनी छोटी छोटी जगह से बोलता है, इतने मार्जिन से बच गया, बाल बाल बच गया। और बाल बाल बच गया अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल बाल बच गया, तो टेक केयर ऑफ योर बाल। अपने बाल की जितनी केयर लेते हो, बाल यानी अपने बालक, उतनी केयर अपने बाल की लीजिए। एंड देखिए कितने मज़े से, और उससे क्या हो रहा है कि हमारे चेहरे का लुक बदल जाता है, और जब हमारा लुक बदल जाता है, जैसे हम आईने में देखते हैं, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। सीरियल परम अवतार कृष्ण में आज हो रही है राधा और कान्हा में प्यार भरी नोक झोंक। राधा पहुंच गई है कृष्ण के घर और मांग रही है नंद से अपना उपहार, लेकिन राधा ने तो कान्हा को ही अपने उपहार के रूप में मांग लिया है। वह एक तरफ जहां राधा ने कान्हा के बाबा से मांगा कान्हा को उपहार के रूप में, वहीं राधा और कान्हा में शुरू हो गई उनकी प्यारी सी नोक झोंक। राधा करने लगी कोशिश कि वो ले जाएगी अपना उपहार अपने साथ में, और वहीं कान्हा कर रहे हैं मना साथ जाने को। राधा भी कहां हार मानने वाली है, वो भी कर रही है हर जतन कान्हा को साथ ले जाने के लिए। यहां तक कि कान्हा ने तो राधा को जाने के लिए भी कह दिया, पर राधा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है। वेल, अब आइए आपको दिखाते हैं नन्हे कृष्णा और राधा की ऑफ कैमरा मस्ती। जी हाँ, जैसे ये दोनों सीन में ऑन स्क्रीन मस्ती कर रहे थे, वैसे ही ऑफ स्क्रीन भी दोनों करते हैं ढेर सारी मस्ती और धमाल। सीरियल ढाई किलो प्रेम में राहुल और मेघना शादी के बाद दीपिका के मायके में रह रहे हैं, और दीपिका को भी उसके ससुराल से बाहर कर दिया गया है। मेघना को दीपिका की ताई जी तो अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन दीपिका के पापा मेघना को घर में कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं और उसे तीज की शॉपिंग के लिए पैसे देते हैं। दीपिका मेघना को बाहर शॉपिंग के लिए लेके जाएगी बिकॉज पहली तीज है,
और दीपिका की भी पहली तीज है, पर दीपिका के ससुराल वालों ने तो उसे घर से ही बाहर निकाल दिया, तो आई डोंट थिंक ससुराल से कुछ आएगा दीपिका के लिए, पर वो चाहती है कि मेघना की तीज से भी। वेल, तीज का त्योहार आने वाला है और मेघना के साथ साथ दीपिका की भी शादी के बाद ये पहली तीज है। दीपिका तो तीज का व्रत रखना चाहती हैं, लेकिन उसके पापा उसे व्रत रखने से मना करते हैं, क्योंकि अगर दीपिका दिन भर कुछ खाती नहीं है तो वो बेहोश हो जाती है। दीपिका को अनीमिया है, तो दीपिका अगर खाती पीती नहीं है कुछ ज़्यादा देर तो वो बेहोश हो जाती है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी कभी कभी लोग मोटे होते हैं, ये बोलने का भी ट्राई कर रहे हैं शो में, बट तो पापा चाहते हैं कि दीपिका फिर से ना, जैसे शादी के बाद पीयूष जी ने खाना नहीं खाया था तो दीपिका ने भी खाना नहीं खाया तो दीपिका बेहोश हो गई, तो चाहते हैं कि ऐसा फिर से ना हो। सीरियल वो अपना सामे जानवी अपने कमरे में होती है और उसके पास आदित्य उसके कमरे में आता है। जानवी आदित्य को उसके पास आने से रोकती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि निशा उन दोनों को साथ में देखे। आदित्य जानवी को गले लगाता है और उसे कंसोल करता है। आदित्य को निशा की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो जानवी को कुछ न कुछ सुनाती रहती है। दरअसल निशा की याददाश्त जा चुकी है और वो अपने पति आदित्य को जानवी के साथ देख भड़क जाती है और जानवी को उल्टा सीधा बोल देती है, इसलिए जानवी और आदित्य परेशान हैं। वल, अब जानवी और आदित्य बात कर रहे होते हैं तभी आदित्य को पुलिस ऑफिसर का फोन आता है कि जिसने आदित्य की फोटो मॉर्फ की थी उस आदमी का पता चल गया है। पुलिस ऑफिसर आदित्य को ये बताते हैं कि उसकी फोटो को मॉर्फ करने के लिए उस आदमी को किसी दूसरे आदमी ने पैसे दिए थे। अब आदित्य और जानवी सोचने लगते हैं कि निशा के अलावा ये काम कौन कर सकता है। अब देखना ये है कि आदित्य और जानवी इस बात का पता कैसे लगा पाते हैं। सीरियल सजन रे झूठ मत बोलो में आज जया के हाथों पर लग रही है मेहंदी। जी हाँ, आखिरकार इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद जय और जया की शादी की रस्में हो गई हैं शुरू और आज यहाँ शूट किया जा रहा है मेहंदी सीक्वेंस का प्रोमो, जहाँ घर की सारी लेडीज हैं सज धज कर बिल्कुल तैयार और हर किसी के चेहरे पर जया और जय की शादी की खुशी साफ झलक रही है। साथ ही दुल्हन पर तो नजर डालिए, देखिए इस पिंक एंड लाइट ब्लू लहंगे में जया लग रही है कितनी खूबसूरत। वेल, सीरियल सजन रे फिर झूठ मत बोलो में जहां जय और जया की हो रही है शादी की रस्म, वहीं इस मेहंदी के प्रोमो में नजर आने वाला है वो शख्स जो सर्वेंट बनकर सबको दे रहे हैं शरबत, और वो कोई और नहीं बल्कि है जया के डैडी। वेल, जया के फादर को हो गया है डाउट कि जय बिलोंग करते हैं रिच फैमिली से, और यही पता लगाने के लिए वो रख रहे हैं नजर, वो भी भेस बदल कर। सीरियल तेनाली रामा में आने वाला है इंटरेस्टिंग मोड, जहां होने वाला है गणपति का आगमन और जिसके लिए तेनाली कर रहे हैं तैयारी, लेकिन वही महल में राजगुरु तथाचार्य चुप कर सुन रहे हैं तेनाली की सारी बात। यानी कुल मिलाकर गुरु तथाचार्य सुनना चाहते हैं तेनाली की बात ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या है तेनाली का प्लान गणपति उत्सव के लिए। सीरियल देवांशी में आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जहां आज कल्की को लोरी गाकर सुला रही है देवांशी, लेकिन यहां पर तो कल्की को सुलाते सुलाते खुद देवांशी ही सो गई। वल, ये कल्की कोई आम लड़की नहीं है, ये भी देवी का ही एक अंश है जो पहले देवांशी में दिखता था। वल, एक तरफ जहां देवांशी कल्की को लोरी सुनाते सुनाते खुद सो जाती है, वहीं दूसरी तरफ देवांशी को भी बुरे सपने आ रहे हैं, जहां पर उसे दिखाई देता है कि कोई औरत एक बच्ची को लेकर भाग रही है और ये डरावना सपना देख देवांशी की डर के मारे नींद खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। सीरियल मेरी दुर्गा में दुर्गा के कोच हैं हॉस्पिटल में और उन्हें देखकर दुर्गा काफी टेंशन में आ जाती है, और तभी कहानी में आता है ट्विस्ट जब उसी वक्त कोच को पड़ जाता है दौरा और दुर्गा के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन डॉक्टर को बुलाती है। दुर्गा की राणा सर बीमार पड़े हुए हैं, उनको सडनली वो घर पे जिस कॉलेज निकल रही होती है और उसे दिखता है कि राणा सर जमीन पे गिरे पड़े हैं बेहोशी की हालत में, तो भगा के उन्हें हॉस्पिटल ले आती है। तो अभी राणा सर की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत क्रिटिकल है, इसलिए दुर्गा थोड़ी परेशान है।
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नायरा यानी शिवांगी जोशी हाल ही में देहरादून फैशन शो में पहुंची, जहां उन्होंने रैंप वॉक किया और वो रही शो स्टॉपर भी। और शिवांगी ने अपने इस शो स्टॉपर वाली लुक को अपने फैंस के लिए शेयर किया अपने सोशल हैंडल पर। Well, इन दिनों एक्ट्रेस पूजा गौर हैं बेहद हैप्पी, और वो इसलिए क्योंकि पूजा ने खुद से किए चैलेंज को पूरा कर दिखाया है। जी हां, पूजा ने टाउन मैराथन में पार्ट लेकर 10 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट की है, जिसे लेकर उनकी खुशी का नहीं है ठिकाना। और पूजा अपने इस अचीवमेंट को अब तक का अपना बिगेस्ट अचीवमेंट भी मानती है। Well, पूजा ने अपनी इस खुशी को अपने फैंस के साथ भी किया है शेयर, और साथ ही कई लोगों को इसके लिए थैंक यू भी लिखा है, जिनकी वजह से उन्हें ये खुशी मिल पाई है। सीरियल थपकी प्यार की फेम के मनीष टीवी के कई एक्टर्स की तरह इंडोनेशियन फिक्शन में नजर आने वाले हैं। वो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे कई सारे टीवी एक्टर्स के लिए इंडोनेशियन टीवी सेकंड होम बन गया है। वेल, मनीष भी अपने इस सीरीज के पोस्टर लॉन्च से हैं बेहद हैप्पी। तश्ने इश्क फेम के एक्टर नमन जल्द ही सिंगल से मिंगल होने जा रहे हैं। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, नमन नवंबर में अपनी लॉन्ग टाइम बेस्ट फ्रेंड नेहा मिश्रा से शादी करने जा रहे हैं। वेल, जून में हुई दोनों की एंगेजमेंट एक प्राइवेट अफेयर थी, अब शादी कैसे होती है ये देखने वाली बात होगी। सितंबर में होगी अनस रशीद की शादी। दिया और बाती हम के सूरज यानी एक्टर अनस रशीद की 10 सितंबर को होगी शादी। जी हां, अनस और हीना रोके के बाद अब जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। ये शादी अनस के होम टाउन पंजाब में होगी, जिसमें वो अपनी दिया और बाती हम की टीम को भी इनवाइट करेंगे। कमिंग अप ऑन द शो, चकोर और सूरज का रोमांस, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप, बोनस धमाका में आज हमारे साथ है पॉपुलर टीवी स्टार कपल भारती सिंह और उनके बलिए हर्ष, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए किया खुलासा अपने शादी के डेट के बारे में। नवंबर दिसंबर में शादी है, तानी जैसे डेट फिक्स करेंगे ये और बस उसके बाद फिर इनका भी। Well, Zoom से एक्सक्लूसिव बात करते हुए भारती और हर्ष ने किया रिवील कि क्या है उनकी ड्रीम शादी को लेकर। मेरे बड़े ज्यादा सपने, इनका कोई सपना नहीं था, ये कहते थे कि कोर्ट मैरिज कर लेते, मुझे नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे वो सब करना है, हल्दी मेहंदी ये वो, ये कहता था कि बस एक पार्टी करते हैं जिसमें सब लोग आए। मैंने बोला क्यों, लोगों की पार्टियों में इतना जाके हमने परफॉर्म किया है, अब हमारी पार्टियों में करेंगे ना सब लोग। हमारी शादी बहुत धमाकेदार होगी, आप सब होंगे वहाँ, आप देख ही लेना क्या क्या होने वाला है। आप लोग को ना भी बुलाओ फिर भी आप लोग पहले मम्मी डैडी से पहले पहुँच जाते हैं, सास ससुर नहीं आए होते, मीडिया पहले आ जाता है। Well, we hope कि आप टीवी स्टार भारती सिंह और उनके बलिए हर्ष की शादी वाले खुलासे से हो गए होंगे फुली रिचार्ज। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल शनि में हो रहे हनुमान और सिम्हिका के फाइट सीक्वेंस से, जहां दोनों एक दूसरे को जमकर टक्कर दे रहे हैं। सीरियल उड़ान में एक तरफ जहां चकोर और सूरज के बीच चल रहा है रोमांस, वहीं दूसरी तरफ इमली को पता चलता है कुछ ऐसा, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो चकोर की खुशियां कर देती हैं खत्म। मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।